हेलो एवरीवन, क्लासिक जायका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढींगरी मशरूम की सब्ज़ी, जिसे हम ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं। ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ढींगरी मशरूम लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से पानी में दिखाए अनुसार धो लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो ये हाथों से ही अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस भी नहीं करने हैं, जैसा कि दिखाया गया है वैसे ही करने हैं। फिर इसके बाद हम एक कुकर लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर हम उसमें साबुत जीरा डालेंगे एक चम्मच। साबुत जीरा अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। साथ ही में हम इसमें लहसुन डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, जैसा कि दिखाया गया है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और साथ ही में एक छोटी कटोरी टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, जैसा कि दिखाया गया है। और साथ ही में हम इसमें मसाले डालेंगे। एक चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला हुआ है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, एक चम्मच हल्दी, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही में हम इसमें एक चम्मच हींग डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच नमक के डाले हुए हैं। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी और तेल छोड़ने लगेगी, तो हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, जो कि ग्रेवी को एक कलर भी देगी। ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, तो ये ऑप्शनल है। फिर हम इसमें कटे हुए मशरूम डालेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे ही हमारे मशरूम अच्छी तरह से मिल जाएंगे, हम इसमें थोड़ा सा ही पानी लगाएंगे। इसमें मैंने एक छोटी कटोरी पानी की लगाई हुई है और हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 सीटियां लगाएंगे। एक सीटी तेज़ आंच पे लगाएंगे और एक सीटी धीमी आंच पे लगाएंगे। और जैसे ही हमारी सीटी लग जाएगी, तो आप देख सकते हैं हमारी ढींगरी मशरूम की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट थी। आप इसे ज़रूर आज़माएं और मेरे साथ अपने रिव्यू शेयर करें। थैंक यू।